हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लक्ष्मीज होम कुकिंग में। आज की रेसिपी बहुत ही खास है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजराती स्टाइल गवार फली की सब्जी की रेसिपी। जिन लोगों को गुजराती खाना और सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है, उनके लिए ये बहुत ही खास सब्जी होने वाली है और उनको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने यहाँ पे हाफ के जी गवार फली ली है। गवार फली की साइज़ मैंने इस तरह से कट कर ली है। इसे अच्छे से पहले धो के मीडियम साइज़ के टुकड़ों में इसे कट कर लिया है। गुजराती गवार फली की सब्जी जो बनती है उसमें थोड़े गवार की टुकड़ों की साइज़ बड़ी रहती है, तो आप इसे थोड़े बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। गवार फली आप ज़्यादा बड़े साइज़ की ना लें, जिसमें बीजे ज़्यादा हो, बड़े बड़े बीजों वाली ना लें, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। आप थोड़े छोटे और मीडियम साइज़ के गवार लें तो सब्ज़ी अच्छी बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। इस सब्ज़ी के लिए हमें सबसे पहले चटनी बनानी होगी। वो खास तरह की और यूनिक चटनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सर जार लिया है। इसमें मैं यहाँ पे अभी 15 से 20 लहसुन की कलियाँ डालूँगी। लहसुन की क्वांटिटी इस सब्ज़ी में थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। मेन सब्ज़ी में जो टेस्ट और फ्लेवर है वो लहसुन का ही रहता है, तो लहसुन की क्वांटिटी आप ज़्यादा लें। लहसुन को अपने यहाँ पर मैं मिक्सर जार में डाल दे रही हूँ। और साथ में डालना है एक बड़ा चम्मच भर के जीरा। जीरा, लहसुन और हींग की ये जो चटनी मैं बना रही हूँ, इसका ही यूनिक फ्लेवर एक सब्ज़ी में आता है और बहुत ही टेस्टी यूनिक सब्ज़ी बनती है। अगर आपको लहसुन ज़्यादा पसंद नहीं है तो लहसुन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बट इस सब्ज़ी में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इससे चटनी में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ कलर के लिए लिया है, बाद में मैं जो तीखा वाला स्पाइसी मिर्च पाउडर होता है वो बाद में यहाँ पर यूज़ करूँगी। अब मैंने यहाँ पे 1/3 टीस्पून हींग लिया है। मैंने यहाँ पे सफ़ेद वाला हींग लिया है। इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। पीला हींग जो यूज़ करते हैं उसके हिसाब से सफ़ेद वाला हींग बहुत ही अच्छा होता है। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पीस कर हमें इसकी चटनी बना लेनी है। इसमें पानी नहीं डालना है, लहसुन का ही पानी या तेल इसमें छूट के चटनी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। ये चटनी बहुत ही बढ़िया बनती है और उसकी खुशबू जो लहसुन हींग और जीरा की बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। इस तरह से हमें चटनी बना लेना है। इस चटनी को हम लोग साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से बिना पानी की ही मैंने चटनी यहाँ पे पीस ली है। अगर आपको चटनी खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप इस तरह की लहसुन हींग और जीरे वाली चटनी बना के रख सकते हैं और इसे रोटी, चपाती या किसी भी भाकरी के साथ खा सकते हैं या साइड डिश टाइप की तरह भी खा सकते हैं। सब्जी के लिए चटनी हमारी तैयार है। साइड में मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करने रखी है। इस सब्ज़ी में थोड़ी तेल की क्वांटिटी ज़्यादा ही डलती है क्योंकि हम लोग इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत कम करने वाले हैं, ना के बराबर। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल लिया है। तेल को अच्छे से 2 मिनट के लिए गरम करेंगे मीडियम हीट पर। तेल को मैंने यहाँ पर अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे अच्छे से बारीक कट कर लिया है। प्याज को अच्छे से 1 मिनट के लिए हमें भूनना है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, बट 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। 1 मिनट हो गया है, प्याज को मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। प्याज थोड़ा सा हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी गैस फ्लेम हमें थोड़ा सा लो कर लेना है और इसमें अभी आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेना है। आधे मिनट के लिए अच्छे से हल्दी को तेल में मिक्स कर लेते हैं। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और हल्दी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है फिर तेल में मिक्स करने से। हल्दी अच्छे से तेल में मिक्स कर ली है। अभी यहाँ पे हमें गवार फली डाल देना है। आप चाहे तो चटनी भी तेल में पहले मिक्स करके इसे फ्राई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे गवार फली पहले डाल रही हूँ क्योंकि गवार फली हम लोगों ने बॉईल नहीं किया है, उसे कच्ची ही रखी है, तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है सॉफ्ट होने में। साथ में मैं यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ, उससे हमारी गवार फली जल्दी से पक जाएगी और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और हमारा कुकिंग का टाइम भी बचेगा। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब गैस फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखना है क्योंकि गवार फली हम लोगों ने धो के रखी थी तो उसका पानी भी छूटने लगेगा और नमक भी डाला है तो पानी छूटने लगेगा, इसलिए हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे इसे रख के अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अभी 5 मिनट के लिए कवर करके हमें पका लेना है। बीच बीच में आपको इसे देख के मिक्स कर लेना है ताकि गवार फली हमारी जले ना और बॉटम में चिपके ना। तो अभी इसे ढक के 5 से 7 मिनट हमें पकाना है। बीच में आप एक बार इसे मिक्स करके चला के देख सकते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 7 से 8 मिनट गवार फली को पकाया है और बीच में एक बार मैंने खोल के इसे मिक्स कर लिया था और फिर से ढक लिया था। आप देख सकते हैं गवार फली हमारी आधी सॉफ्ट हो गई है, मतलब आधी पक चुकी है।
इसी तरह से पहले हमें गवार फली को आधी सॉफ्ट कर लेना है, मतलब आधा पका लेना है। अब गैस फ्लेम थोड़ा सा धीमा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ये स्पाइसी वाला मिर्ची पाउडर लिया है, ये घर का हमारा स्टोर किया हुआ मिर्ची पाउडर है। चटनी में जो हम लोगों ने मिर्ची पाउडर लिया वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उससे सिर्फ कलर आएगा, तीखापन नहीं आएगा। बट जो गुजराती स्टाइल गवारफली की सब्जी बनती है थोड़ी तीखी चटपटी बनती है, इसलिए मैंने ये तीखा वाला मिर्च पाउडर लिया है। साथ में एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है और साथ में डाल देना है चटनी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाई थी, लहसुन जीरा और हींग की चटनी। मैं यहाँ पे पूरी डाल रही हूँ क्योंकि चटनी की क्वांटिटी मैंने सब्जी के हिसाब से बराबर बनाई थी। आप अपने हिसाब से चटनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी चटनी को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। लहसुन की चटनी थोड़ी स्टिकी बनती है जिसे मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। इस तरह से चटनी को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जी में चटनी मिक्स करते ही सब्जी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है लहसुन और हींग की। अभी यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी, मैंने दो बड़े चम्मच पानी लिया है। पानी को मिक्सी जार में मिक्स कर लेती हूँ, जहाँ पे मैंने चटनी पीसी थी वही पानी मैं यहाँ पे डाल दूँ सब्जी में। पानी डालने से चटनी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी क्योंकि चटनी हमारी थोड़ी सी स्टिकी थी, इसलिए वो सब्जी में पूरी तरह से मिक्स नहीं हुई थी। अभी पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं चटनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है और सब्जी में बहुत ही बढ़िया प्यारा कलर आया है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें ढक के कवर करके पका लेना है। अब मैंने यहाँ पे शेव पापड़ी ली है, ये काठियावाड़ी शेव पापड़ी होती है जो काठिया वाली, वो मैंने यहाँ पे ली है। मेरे पास मसाला वाली थी तो मैंने ये ली है। आप चाहे तो नॉर्मल सादी पीली वाली होती है प्लेन वो ले सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसे डालने से सब्जी में हमारे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी इसे क्या करना है, इस तरह से हमें इसे दरदरा ऐसे पीस लेना है, थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। 5 मिनट हो गए हैं ये चेक करते। लहसुन की चटनी डालने के बाद हमारी सब्जी में बहुत ही प्यारा कलर आया है और एकदम स्पाइसी दिख रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। लहसुन और हींग की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी गैस फ्लेम हमें थोड़ा सा लो कर लेना है। अगर सब्जी में आपको और ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसकी ग्रेवी बना सकते हैं और थोड़ी सी ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो गाढ़िया का पाउडर मैंने बना के रखा था उसमें डाल देना है। मैं पहले 2 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ और इससे पहले मिक्स करके देखती हूँ, अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे और गाढ़िया का पाउडर मिक्स हो सकता है तो मैं इसमें और फिर से डाल सकती हूँ 1 या 2 चम्मच। आप अपने हिसाब से क्वान्टिटी एडजस्ट कर सकते हैं। गाढ़िया पाउडर डालने के बाद आप देख सकते हैं सब्जी की जो रिचनेस है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और खाने में इतनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहे आपके पास अगर गाठिया नहीं है तो आप भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं 1-2 चम्मच। ये जो गुजराती गवारफली की सब्जी हम लोगों ने बनाई है उसमें ये जो यूनिकनेस आता है वो गाठिया और लहसुन की चटनी की वजह से आता है, उसी की वजह से ये सब्जी हमारी खास बनती है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच गाठिया पाउडर और मिक्स कर लिया था। गाठिया पाउडर डालने के बाद आप देख सकते हैं सब्जी का हमारे टेक्स्चर और रिचनेस बढ़ गया है, बहुत ही टेस्टिंग सब्जी यहाँ पे दिख रही है। इस स्टेज पे आप चाहे तो 2 चम्मच दही भी डाल के इसे मिक्स कर सकते हो, थोड़ी सी ग्रेवी बना सकते हो। आप इस सब्जी को गर्मा गर्म रोटी चपाती या भाकरी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये चपाती बाजरे की रोटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, इस गवारफली की रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में सभी को ज़रूर पसंद आएगी। अगर इस सब्जी को आप टिफ़िन में देते हैं तो टिफ़िन आपका रिटर्न नहीं आएगा, सब्जी बिल्कुल ख़त्म करके ही टिफ़िन आपका आएगा और लोग उंगलियां चाट के सब्जी को खाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और साथ में अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स भी शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें, उससे मेरी नई रेसिपी वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।